मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। देश भर के नफरती गैंग को पछाड़ा मोहब्बती पठान ने, भारी विरोध के बावजूद छा गए किंग शाहरुख खान। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। टीजर ट्रेलर रिलीज के दौरान किंग एसआरके यानी किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान का भारी विरोध हो रहा था। बेशर्म रंग गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण द्वारा भगवा बिकनी पहनने के कारण मुद्दा जबरन बनाया गया और पठान का विरोध शुरू किया गया, क्योंकि शाहरुख खान एक मुसलमान है। मगर इस पर सभी मुसलमान इत्तफाक नहीं रखते, सहमत नहीं रहते, ये एक अलग मुद्दा है। विरोध चलता रहा, कई मुद्दे बनते रहे, फिल्म रिलीज के लिए आ गई 25 जनवरी को, बुधवार के दिन, बिल्कुल यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी से एक दिन पहले यह फिल्म भारत में और ओवरसीज में सब जगह रिलीज की गई। 8,000 जगहों पर पठान की स्क्रीनिंग्स की गई, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स हो, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हो, पीवीआर हो, सिनेप्लेक्स हो, जो भी हो, हर जगह पठान की स्क्रीनिंग जो है ओवरसीज से लेकर समूचे भारत में 8,000 जगहों पर की गई। इसमें आपको बता दें, कोरोना काल से लगभग भारत में सिंगल स्क्रीन ऐसे 20 से 25 थिएटर थे जो बंद हो चुके थे, पठान ने उन्हें एक नया जीवन दान दिया, एक नई लाइफ लाइन दी। पठान रिलीज से जो है एक अच्छा स्टार्टअप जो उन्हें चाहिए था, ट्रेड एनालिसिस्ट तरण आदर्श जैसे और थिएटर कई मालिक हैं, उनका जो कहना है, कई चैनलों ने उनसे बात की है। अब हम 25 जनवरी की पठान की रिलीज, जिसने एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पूरे दिन भर में पठान ने 106 करोड़ की पहले दिन की बम्पर ओपनिंग लेकर के कमाई की है। 106 करोड़ की यह बम्पर कमाई अब तक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को फिल्म के इतिहास में हासिल नहीं हुई है। इससे पहले केजीएफ चैप्टर 2 जो है, केजीएफ 2 जो है वो नंबर 1 पर थी, मगर पठान ने जिस तरह से नफरती गैंग को पछाड़ा, उस तरह से आंकड़ों के मामले में केजीएफ 2 को भी पछाड़ते हुए नंबर 1 हासिल कर लिया। दुबई में किस तरीके का माहौल था, उसका भी एक वीडियो इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। भारत में भी कई थिएटरों में किस तरीके से पठान की स्क्रीनिंग के दौरान दर्शक बेकाबू हो रहे, गानों के दौरान जो है वो स्क्रीन की तरफ चले जाकर के झूमे, जो पठान गाने पर झूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एसआरके का जादू चल गया है। किंग शाहरुख खान भारी विरोध के बाद भी जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और सलमान खान भाईजान के साथ मिलाकर के अपना जादू बिखेरने में कामयाब रहे। नफरती गैंग बोलते रहे, करते रहे, विरोध जो है चलता रहा, मगर पठान की मोहब्बत ने इस नफरत को पछाड़ दिया। जाए।
नहीं, बजरंग दल में तो मैं खुद भी रह चुका हूँ। मेरे दोस्त यार जितने भी हम मिलने वाले हैं, खुद ही जिला प्रमुख वगैरह कई मेरे मिलने वाले भी, मैं खुद भी बजरंग दल में रह चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसा। चुके बजरंग दल में तो आपको लगता है कि जो कर रहे हैं वो लोग ठीक कर रहे हैं? कुछ भी जेन्युइन मतलब रीजन तो मुझे नहीं लगता कोई भी है इसको बॉयकॉट करने का। मूवी आपको लगता है कि गलत चल रहा है जो पूरा प्रोटेस्ट? मैं खुद उस चीज का विरोध करता, बट मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आपको कैसे लग रहा है कि अभी शाहरुख खान इज कमिंग ऑन स्टेज आफ्टर 4 years, तो आपको कैसे लग रहा है? सुपर एक्साइटेड टू वॉच हिज मूवी, मैं huge big fan of him, super excited to watch him, just I can't say anything, I just want to move, watch the movie as soon as possible. अच्छा, बिहार से आए हुए कोलकाता में, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, फर्स्ट डे देखना है शाहरुख खान का? देखना है, यानी और देखना ही है। क्या लग रहा है, कितने एक्साइटेड है अब मूवी देखने जा रहे हैं? टिकट नहीं मिल रहा भाई साहब। टिकट आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। क्यों? उसके लिए क्यू में खड़े हुए हैं। 500 किलोमीटर दूर से आए भागलपुर बिहार से। सिर्फ लोग आए एक साथ? तीन जन आए हैं। तो कितने सिनेमा हॉल्स के चक्कर काटे आज कोलकाता में? आज ये लगा कि ये चौथा है। टिकट नहीं है। बॉयकॉट गैंग करने वाले बहुत बॉयकॉट कर रहे हैं, फिर भी टिकट नहीं मिल पा रहा है। उनके कोई प्रोग्रेस में दम नहीं रहा, बॉयकॉट करने से भी कोई फायदा नहीं रहा, फिर भी टिकट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इतने लोग क्यू में खड़े हुए, किसी को भी टिकट नहीं मिल पा रहा है। तब आपको मैं सुबह से कई सारे सिनेमा हॉल्स में देख चुका हूँ। आप शाहरुख खान के फैन क्लब से आते हैं, बोशुश्री में मैंने गया था आपको देखा था, वहाँ पर सेलिब्रेशन भी कर रहे थे शाम। क्या ये दूसरी बार आप देख रहे हैं? मैं तो शाहरुख खान का ऑलरेडी फैन हूँ। क्या लग रहा है कोलकाता का, किस तरीके से मूड है आज सर की? मूड ऑनली सर की, नो अदर पिक्चर, ओनली पठान।